हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस से जिसके अंदर पेपर फोर्थ है डीजी एंड टीए या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट चल रही थी और आज इसके अंदर हमारे पास 11 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो जेपीएस की बुक में पेज 47 के ऊपर है कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर एंड फंडामेंटल प्लेन्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन। तो आप क्या बनाओगे, 3D के अंदर सबसे पहले हमें को फंडामेंटल यूनिट वेक्टर और इस प्लेन को डिसाइड करना है। तो ये हमारे पास हम मान के चलेंगे एक्स एक्सिस है, ये हम मान के चलेंगे वाई एक्सिस है, ये हमारे पास है ओरिजिन है ही, एंड ये हमारे पास है जेड एक्सिस है। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे, पहले तो आप इसको इस प्रकार से बनाने वाले हो। ठीक है, फिर इसके सामने इसको आने दो, इस वाले एरो को यहाँ तक, और ओरिजिन के सामने इस प्रकार से आए और ये यहाँ ऐसे टच कर दो इसको जेड एक्सिस को, और फिर ये जो जेड एक्सिस है इसको इतना लेके आओ और इसको यहाँ से मीट करो। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्लेन टाइप्स में बन गया। ये अपन जो शूज वगैरह लेके आते हैं वो बॉक्स देखो एक प्रकार, उसी बॉक्स को हमें बनाना है। ठीक है, अगर आप इसे एक पिक्चर के माध्यम से देखना चाहो तो देखिए, आपके पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है एक पिक्चर चल रही है जिसके अंदर हमारे पास है ये उल्टे सुलटे, इन्होंने वाई एक्स इधर एक्स एक्सिस ऊपर बना दिया या एक्स एक्सिस नीचे, वाई एक्सिस है इस साइड में। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों एक्सिस हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो एक प्रकार से 3D में बॉक्स जैसा लग रहा है कि एक तो हमारे पास ये प्लेन है जो अंदर की ओर जा रहा है, फिर दूसरा प्लेन हमारे पास यहाँ से जा रहा है इस डायरेक्शन से, और तीसरा प्लेन इसके इस वाले साइड में है। ठीक है, आप अपने जो चप्पल वगैरह या शूज वगैरह आते हैं उस बॉक्स में देखना, उसके अंदर 6 सरफेस हैं, एक तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा, दूसरा इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, एक उसके उस वाले साइड से ऊपर से नीचे, लेफ्ट से साइड और अप डाउन। ठीक है, 3 सिचुएशन बनने वाले हैं हमारे पास है। तो अब इसको हम नाम देने वाले हैं, तो आप डायग्राम समझ गए ना कैसे बनाना है। देखो एक बार मैं फिर से इसको हटा के बनाता हूँ कि इतना तो आप कर ही लोगे यहाँ तक, तो देखो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक पॉइंट के थ्रू मिला देना है इसको। ठीक है, फिर ये जो ओरिजिन के सामने की लाइन में एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, फिर इसको जेड एक्सिस से मिला दो। अब जेड एक्सिस जहाँ मिली इसको इस प्रकार से लेके आओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल वेक्टर का डायग्राम आ जाएगा। अब एक तो सरफेस ये है, जैसे मेरे पास मार्कर इस साइड में जाएगा, इसके अंदर जाएगा और उस साइड से बाहर निकल जाएगा। इसको मैं कुछ अलग टाइप से डिसाइड करता हूँ, जैसे कि डायग्राम में ग्राफ बनाना चाहें तो इसको तो हम ऐसे शेप टाइप देंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है कि आप इसके इस साइड में मार्कर लेके जाओगे, इस साइड की सरफेस देखोगे तो ये आउट साइड में निकलेगी। इसको हम कुछ दूसरी डायरेक्शन से एरो के निशान से डिनोट कर देते हैं ताकि आपके पास सरफेस की पहचान हो जाए। ठीक है, और ये मेरे पास है तीसरी वाली साइड है, इसको हम डॉट 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 से देंगे या फिर ऐसे ऐसे कर दो इसको। और साथ इसको इस प्रकार से कर दो ताकि इन तीनों सरफेस के अंदर हमें इसका डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप अपने शूज या चप्पल वगैरह लेके आओ तो इस बॉक्स से देख सकते हो, एक तो ऊपर से और एक साइड से और एक दोनों आर पार साइड से। तो वो हमारे पास से 3 टाइप की सरफेसेस बनेंगी या 3 टाइप्स के प्लेन बनेंगे जिसको नाम दिया जाएगा ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। अब देखो, आप ध्यान से देखो इसको। अब ये जो पहला प्लेन है इसको मैंने फिक्स कर दिया कि ये हमने माना ऑसिलेटिंग प्लेन, जो आप पढ़ चुके हो पिछले 3-4 लेक्चर के अंदर ऑसिलेटिंग प्लेन और उसकी इक्वेशन। तो ये प्लेन हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑसिलेटिंग प्लेन। ठीक है, अब जो ये वाला प्लेन बचा ये मेरे पास कहलाएगा नॉर्मल प्लेन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, नॉर्मल प्लेन। एंड ये तीसरा जो ये वाला प्लेन बचेगा ये हमारे पास है रेक्टिफाइंग प्लेन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, और इसको हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे,
यहाँ तो चलो एक बार शेप टाइप में दिखा दिया, आगे चल के इसका टॉपिक आने वाला है उस वक्त हम ग्राफ बनाएंगे, तो आप एक पिक्चर और देख सकते हो जो कर्व टाइप में है, ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड बाई नॉर्मल प्लेन, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर के हिसाब से हम इसको आगे जो टॉपिक आएगा इस वाले लेक्चर के बाद उसके अंदर उस ग्राफ के मेथड से सोल्व करेंगे। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि एक ग्राफ बनाना है, तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग प्लेन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन, और उसको हमने नाम क्या दे दिया, नॉर्मल प्लेन। अब देखो एक डायरेक्शन तो हमारे पास एक्स एक्सिस की ओर है, एक डायरेक्शन तो हमारे पास है एक्स एक्सिस की ओर है, इसको तो हम नाम देंगे टी कैप, और टी कैप को बताओ हम क्या बोलेंगे, यूनिटी टेंजेंट वेक्टर, यूनिटी टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। देख तो टी कैप की डायरेक्शन हो गई, एक हमारे पास वाई एक्सिस को हम देंगे एन कैप, वाई एक्सिस को हम क्या देंगे एन कैप, जिसको हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल नॉर्मल, इसको हम क्या बोलने वाले हैं प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है। और तीसरी जो जेड एक्स है इसको हम नाम देंगे बी कैप, इसको हम क्या नाम देंगे भाई बी कैप, और बी कैप को क्या बोला जाएगा, बी नाम से स्पष्ट है बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल, ठीक है। याद करो एक बार 3D के अंदर, एक्चुअली 3D हमारे पास ये होती है, ये एक्स एक्स होती है जिसे हम आई कैप बोलते थे, ये वाई कैप डायरेक्शन होती है जिसे हम जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन होती है के कैप। तो ये तो हमारे पास नॉर्मली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आज इसको बदल के हमने फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स लगा दिए, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, यानी इसके सिंबल हम चेंज नहीं करने वाले। एक को नाम दे दिया हमने टी कैप जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहलाएगा, दूसरे को हमने नाम दे दिया एन कैप जो प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाएगा, एंड थर्ड को हमने नाम दे दिया बी कैप जो मेरे पास बाई नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देख लो और इसको रिमेंबर कर लो, क्योंकि यहीं से हम इसकी टोटल फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स की डेफिनेशंस लेके आने वाले हैं, ठीक है। ये जो शेप आप अलग अलग शेप में लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये वाला तल आप यहाँ बना सकते हैं, ये वाला प्लेन आप इधर बना सकते हैं, बस पिक्चर में मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि ये आपको डिफरेंस पता चल जाए। अगर आप इसको खाली भी छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचता है तो। पर याद रखो अब आप डायरेक्शंस को याद रखो कि अगर आपने इसको एक्स एक्सिस नाम दिया है, इसको वाई एक्सिस नाम दिया है, तो इनके बीच में हमें ऑसिलेटिंग प्लेन लेना है, और इसको अगर जेड एक्स दिया तो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में हमें नॉर्मल प्लेन लेना है, एंड जेड एक्सिस एंड एक्सिस के बीच में हमें रेक्टिफाइंग प्लेन लेके आना। ये भी हमारे पास प्लेन है, ये भी प्लेन है, और ये भी प्लेन है, बस इसको अलग अलग नाम दे दिया गया और फंडामेंटल बोल दिया गया। फंडामेंटल का मतलब होता है कि अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते, जैसे किसी टाइम 3+4 को 7 बोल दिया गया, तो ये एक प्रकार से फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, इसको आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप 3+7=9 ले लेंगे, नहीं, आपको ऑलवेज 7 के इक्वल ही मानना होगा, ठीक है। जैसे आपका मान लो नाम विकास है या जो भी नाम है, तो किसी टाइम आपका नाम फिक्स कर दिया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल नेम, ओके। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा, ऑसिलेटिंग प्लेन। वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्लेन। एंड एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन। फिर दूसरी बात क्या याद रखोगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमेशा यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी टी कैप, वाई डायरेक्शन की ओर हमारे पास है एन कैप यानी प्रिंसिपल नॉर्मल, एंड जेड डायरेक्शन की ओर बी कैप यानी बाई नॉर्मल, ठीक है। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं, तो आप देखना कितनी सिंपल हो जाएंगी अब ये डेफिनेशन। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और गलती ना हो इसलिए पहले ही आप इसको क्या लिख लो, टी कैप, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या जाएगी, अब देखो ये रहा मेरे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये किसकी वजह से आ रहा है, हमारे पास है ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन के इंटरसेक्शन की वजह से। देखो ये रहा मेरे पास टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और उसके ऊपर कौन सा प्लेन है, ऑसिलेटिंग प्लेन, नीचे कौन सा प्लेन है, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो किसके इंटरसेक्शन से आ रहा है ये, ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन के अंदर। तो हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलने वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन,
इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन, एंड रेक्टिफाइंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन डिफाइन एज, डिफाइन एज किसको डिफाइन कर रही है, टी कैप को, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर को। ये किसको डिफाइन कर रही है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, बताओ किससे डिनोट कर रखा है हमने इसको, इट इज डिनोटेड बाई टी कैप, इट इज डिनोटेड बाई टी कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। इसी प्रकार आप किसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। बताइए प्रिंसिपल नॉर्मल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, इसको किससे डिनोट करेंगे, एन कैप से। तो प्रिंसिपल नॉर्मल हमारे पास देखो ये रहा, तो किस किस के प्लेन के इंटरसेक्शन की वजह से, एक तो ऑसिलेटिंग प्लेन एंड एक नॉर्मल प्लेन, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड, एक तो ऑसिलेटिंग प्लेन से एंड एक नॉर्मल प्लेन से, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन इज डिफाइन एज, ये नॉर्मल प्लेन डिफाइन, डायरेक्ट ही बोलते हो इसकी लैंग्वेज को देख के, डिफाइन बाई किसको डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल को, डिफाइन प्रिंसिपल नॉर्मल। एंड इट इज डिनोटेड बाई, किसे डिनोट कर रखा है इसको, एन कैप से, तो एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एन कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास एन कैप से क्या हो जाएगी, डिनोटेड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार डिफाइन करो इसको बी कैप यानी बाई नॉर्मल को, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, बाई नॉर्मल। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, बाई नॉर्मल। ठीक है, बाई नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ, इस साइड से कौन काट रहा है, नॉर्मल प्लेन, एंड इस साइड से कौन काट रहा है, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ ए, इंटरसेक्शन से ऑफ ए नॉर्मल प्लेन एंड, इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन, एंड रेक्टिफाइंग प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन डिफाइन बाई बाई नॉर्मल, डिफाइन एज ए बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल। एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, बताइए ये किससे डिनोट है हमारे पास, बाई नॉर्मल बी कैप से। किससे डिनोटेड है हमारे पास ये, बाई नॉर्मल बी कैप से, तो इट इज डिनोटेड बाई बी कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बाई नॉर्मल, इट इज डिनोटेड बाई बी कैप। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको इसी डायग्राम से देख के याद रखनी है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। एंड बाई नॉर्मल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी कैप से डिनोट, ऑसिलेटिंग प्लेन को एन कैप से डिनोट, एंड बाई नॉर्मल को बी कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक डायग्राम और लिखना है कि अक्ष डायरेक्शन से चलना है आपको, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस की। एक्स एक्सिस की ओर कौन है हमारे पास, टी कैप। देखो एक्स एक्सिस की ओर हमारे पास कौन है, टी कैप। फिर वाई एक्सिस के ऊपर कौन है, एन कैप। फिर एन कैप से लेके चलेंगे वाई एक्सिस से लेके जेड एक्सिस तक, एन कैप एंड बी कैप। फिर जेड एक्सिस से लेके आ जाएंगे वापस एक्स एक्सिस की ओर, यानी बी कैप एंड टी कैप, बी कैप एंड टी कैप। देखो ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन को हम किस प्रकार से याद रखेंगे,
अक्ष डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन से जेड डायरेक्शन की। और एक तो हमारे पास क्या है टी कैप, दूसरा हमारे पास क्या है एन कैप, तीसरा हमारे पास क्या है बी कैप। आपको डायरेक्शन ये लेनी है कि अक्ष से चले वाई की ओर, वाई से चले जेड की ओर, और जेड डायरेक्शन से आ गए हमें अक्ष डायरेक्शन की ओर। ठीक है, अक्ष टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू अक्ष। अब अगर इनके बीच में डॉट आ गया, इनके बीच में डॉट आ गया तो इनकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू जीरो के। अगर इनके बीच में डॉट आ गया तो इनकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल जीरो के। और अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया टी कैप क्रॉस एन कैप, एन कैप क्रॉस बी कैप, बी कैप क्रॉस टी कैप। ठीक है, तो अगर T क्रॉस N तो इसके जस्ट आगे वाला कौन आ जाएगा B कैप, फिर N कैप क्रॉस B कैप इसके जस्ट आगे कौन आ जाएगा T कैप, एंड T कैप क्रॉस N कैप इसके जस्ट आगे कौन आ जाएगा B कैप, सॉरी B कैप क्रॉस T कैप इसके जस्ट आगे कौन आ जाएगा N कैप। कहने का मतलब अगर इन दोनों यूनिट टेंजेंट के वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है तब तो क्या आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा एंड जीरो आ जाएगा। बट मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो टी क्रॉस एन की वजह से कौन आ गया बी, एन क्रॉस बी कैप की वजह से कौन आ गया टी, और बी और टी आ गए तो एन। और डायरेक्शन याद रखना एक्स डायरेक्शन से वाई की और वाई डायरेक्शन से जेड की और जेड डायरेक्शन से एक्स की ओर, क्योंकि अगर ये उसका एग्जाम में उल्टा भी दे दे जैसे ऐसे लिख दिया कि एन कैप क्रॉस से टी कैप, तो आपको पता है इसका एन कैप क्रॉस टी कैप क्या हो जाएगा रहेगा, तो बस बी कैप पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बी कैप क्रॉस एन कैप कितना आ जाएगा बी कैप क्रॉस एन कैप, तो रहने वाला तो एन क्रॉस बी टी कैप ही है बट ये माइनस डायरेक्शन की ओर चला जाएगा। और टी कैप क्रॉस बी कैप उल्टा लिखेंगे, ये टी कैप क्रॉस बी कैप तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का एन कैप। ठीक है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, इसे याद रख लेना कि एक्स से वाई की और वाई से जेड की ओर, और अगर उल्टा सुल्टा दिया तो डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसी प्रकार इनका उल्टा कर लो, चाहे टी कैप डॉट एन कैप या एन कैप डॉट टी कैप जीरो, एन कैप डॉट बी कैप या बी कैप डॉट एन कैप भी जीरो, एंड बी कैप डॉट टी कैप या टी कैप डॉट बी कैप भी हमारे पास है जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन में थे कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। तो हमारा टॉपिक यहाँ तक हो गया है फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स तक। तो कौन कौन से यूनिट वेक्टर हो गए हमारे पास फंडामेंटल में, एक तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, अब आप इसको नाम से नहीं सिंबल से याद रखो टी कैप एन कैप एंड बी कैप, और इनकी डेफिनेशन हमने आपको इजीली बता दिया। अब देखो हमारे पास फिर से डिफाइन करेंगे किसको, ऑसिलेटिंग प्लेन को, रेक्टिफाइंग प्लेन को एंड नॉर्मल प्लेन को। तो मेरे पास तुरंत नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वो भी हमें इसी डायग्राम से देख के बोलना है भाई। ये जो डेफिनेशन है ये भी हम किससे बोलेंगे, डायग्राम से ही देख के बोलने वाले हैं। जैसे देखो पहली डेफिनेशन, सबसे पहले हम किसको डिफाइन करें ऑसिलेटिंग प्लेन को, सबसे पहले हम किसे डिफाइन करें ऑसिलेटिंग प्लेन को। ठीक है, चलो देखो फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी ऑसिलेटिंग प्लेन। ऑसिलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन देखो ये रहा ऑसिलेटिंग प्लेन, किस किस के बीच में है भैया, देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो ऑसिलेटिंग प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन के बीच में था। अब की बार प्लेन एक तो प्रिंसिपल नॉर्मल के बीच में है, एक टी कैप के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे ए प्लेन लाई बिटवीन टी कैप एंड एन कैप, ए प्लेन लाई यानी गुजरता है बिटवीन टी कैप एंड एन कैप, टी कैप एंड एन कैप नॉन एज ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉन एज ऑसिलेटिंग प्लेन। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में इनकी डेफिनेशन मान लो पूछ लिया जाए कि डिफाइन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन, तो पहले आप ये डायग्राम बना देना, उधर ही दिखा देना टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एन कैप प्रिंसिपल नॉर्मल। तो बताइए डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास ऑसिलेटिंग प्लेन की, ए प्लेन लाई बिटवीन एन कैप एंड टी कैप या टी कैप एंड एन कैप इज नॉन एज ऑसिलेटिंग प्लेन। और चाहो तो टी कैप की जगह क्या लिख देना यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड एन कैप की जगह प्रिंसिपल नॉर्मल। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आ जाएगी हमारे पास है नॉर्मल प्लेन की, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास किसकी आ जाएगी नॉर्मल प्लेन की। देखो नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन आप खुद ही देख के बताओ क्या होगा, ए प्लेन लाई बिटवीन, बोलो भाई
नॉर्मल प्लेन की, ये रहा नॉर्मल प्लेन, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, एन कैप एंड बी कैप के बीच में। तो ए प्लेन लाई बिटवीन एन कैप एंड बी कैप, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल इज नॉन एज, नॉन एज नॉर्मल प्लेन, इज नॉन एज नॉर्मल प्लेन। ठीक है, इसी प्रकार हम थर्ड नंबर पे किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रेक्टिफाइंग प्लेन की। रेक्टिफाइंग प्लेन की डेफिनेशन बोलो भाई, रेक्टिफाइंग प्लेन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, ए प्लेन लाई बिटवीन, ए प्लेन लाई बिटवीन, बताओ अब की बार ये हमारे पास रेक्टिफाइंग का प्लेन किस किस के बीच में जाएगा, बी कैप एंड टी कैप, अर्थात बाई नॉर्मल एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो ए प्लेन लाई बिटवीन बी कैप एंड टी कैप इज नॉन एज रेक्टिफाइंग प्लेन, इज नॉन एज रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन किसकी आ गई है, रेक्टिफाइंग प्लेन की। तो देखो आपको इस प्रकार से ये डेफिनेशन से फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इस डायग्राम को देख के आप छह डेफिनेशन बोल सकते हो, थ्री तो वेक्टर्स हैं फंडामेंटल और थ्री फंडामेंटल प्लेन हैं। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो आ जाएगा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और प्लेन के अंदर ये इनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगेन थ्री डेफिनेशन है, ये थ्री की थ्री डेफिनेशन आप यहीं से देख के आप इनको बोलने वाले हो। ठीक है, अब आप इसके अंदर नोट लगा के लिखोगे, अब इसके अंदर हम नोट लगा के तीन चार इसके पॉइंट्स लिखने वाले हैं। बताओ ये डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं हो गई, इसी डायग्राम से देख के ही बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिफाइन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स, तो हम क्या बोलेंगे, नोट लगा के नंबर वन, नोट नंबर वन कि टी कैप एन कैप एंड बी कैप। अब हम इसको सिंबल में लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम इनको सिंबल में लिखने वाले हैं, आप रख लेना ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, प्रिंसिपल नॉर्मल है एंड ये बाई नॉर्मल है। तो हम नोट लगा के लिखेंगे नंबर वन कि ये जो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से वेक्टर, टी कैप एन कैप एंड बी कैप आर नॉन एज फंडामेंटल यूनिट वेक्टर, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। कहने का मतलब ये फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, टी कैप एन कैप एंड बी कैप। तो फंडामेंटल प्लेन कौन से होंगे, सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, ऑसिलेटिंग प्लेन सेकंड हमारे पास है नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। इज नॉन एज ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन, ये फंडामेंटल प्लेन आर नॉन एज फंडामेंटल प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाने वाले हैं, फंडामेंटल प्लेन, और ये क्या हो गए, टी कैप बी कैप एंड एन कैप फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक है कि डिफाइन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स। ठीक है, इसके अंदर देखो थर्ड नोट ये से देख के हम कुछ और डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं पर के ऊपर है कि इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन, याद करो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन मैंने शायद आपको लेक्चर 6 या लेक्चर 7 के अंदर बताया था कि इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होती है, और इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन के हमने 5 रिजल्ट निकाले थे। नंबर वन, व्हेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ एस, सेकंड व्हेन पैरामीटर इज टी, फिर थर्ड नंबर पे कार्टेशियन फॉर्म, फोर्थ नंबर पे इंटरसेक्शंस ऑफ टू सरफेसेस।
ठीक है। फोर टाइप्स से हमने इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन फाइंड की थी। अब आप बताइए, क्या आपने ये इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन लिखा था कि आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर वेक्टर की डैश और आर वेक्टर की डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। देखो याद करो, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर वेक्टर डैश एंड आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। अब आप बताइए, अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स ऐसे होते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो होते हैं कि नहीं होते हैं? और बी क्रॉस सी जीरो का मतलब बी और सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसको, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि आई ई आर वेक्टर डैश एंड आर वेक्टर डबल डैश लाई इन ऑसिलेटिंग प्लेन, लाई इन ऑसिलेटिंग प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास ऑसिलेटिंग प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं। याद आ गया भैया? देखो हमें कुछ छोटा मोटा रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस तो हमारे पास हो गया पूरा, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर एंड फंडामेंटल प्लेन की डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। बट हमने प्रीवियस लेक्चर 6 के अंदर या 7 के अंदर आप चेक कर लेना, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन बताए थे जब वेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ एस, और हमने बताया था कि आगे इसे क्वेश्चन के अंदर यूज में लेने वाले, तो आप डायरेक्टली याद रखना। तो क्या है हमारे पास, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर और आर वेक्टर डैश एंड आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आर वेक्टर डैश एंड आर वेक्टर डबल डैश लाई करते हैं किसके अंदर, इस ऑसिलेटिंग प्लेन के अंदर। ओके, अब याद करो साथ साथ ये टी कैप भी आपका पढ़ा हुआ है कि चूंकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये तो इस यूनिट के शुरुआत में ही है, लेक्चर 1 के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि भविष्य में आप टी कैप की जगह आप क्या मान के चलोगे, आर वेक्टर डैश। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कि टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश। अब आप सोच के बताओ कि कैप है, यूनिट वेक्टर है, इसका होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। आई ई आर वेक्टर की डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1। भाई टी कैप की जगह क्या है, आर वेक्टर डैश, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर की डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां लिख लो, टी कैप की जगह हमने क्या लिख लिया, आर वेक्टर की डैश है, इसे 12 मत कर देना भाई, डिफरेंशिएशन करो इसका, डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस वी गेट, क्योंकि भाई डैश का मतलब क्या होता है, आर्क लेंथ एस के सापेक्ष, अगर ऊपर डॉट आ जाता है ऐसे तो हम क्या मान के चलते हैं, टाइम पैरामीटर टी के साथ। ये मैं करवा चुका हूं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आर वेक्टर की डैश पीछे आ जाएगा और इनटू आर वेक्टर की डबल डैश और 1 का डिफरेंशिएशन 0। 2 को 0 में भेजेंगे तो आर वेक्टर की डैश और आर वेक्टर की डबल डैश इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 को 0 में भेजेंगे तो आर वेक्टर की डैश एंड आर वेक्टर की डबल डैश इज इक्वल टू 0। बताइए इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, आर वेक्टर एंड आर डबल डैश वेक्टर। अब बताइए अगर a और b 0 हो जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज, यहां क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज r वेक्टर डैश एंड r वेक्टर डबल डैश r परपेंडिकुलर, ठीक है, r वेक्टर डैश एंड r वेक्टर डबल डैश r परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास आर वेक्टर डैश एंड आर वेक्टर डबल डैश क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर। सो डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर डैश एंड टी कैप आर सेम, सो डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर डैश एंड टी कैप आर सेम, आर सेम क्यों होगी मैं अभी समझाऊंगा। सो डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर डबल डैश एंड एन कैप आर सेम, एंड एन कैप आर सेम, सो डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर डबल डैश एंड एन कैप आर सेम। क्यों भाई, अब ये भी देखो, यहां हमने कुछ लिखा था ऐसे, सर्किल बना लेना पहले, आप जब भी उलझ जाओ यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अंदर, तो एक तो आपके पास क्या है, टी कैप,
पहले तो लिखोगे अक्ष डायरेक्शन के पास आपके पास क्या है टी कैप, वाई डायरेक्शन के पास आपके पास क्या है एन कैप, एंड जेड डायरेक्शन के आपके पास क्या है बी कैप। अक्ष अक्ष से वाई की ओर चलना है, वाई से जेड की ओर चलना है, जेड से अक्ष अक्ष की ओर चलना है। अब आप बताइए ये टी कैप और ये एन कैप, अगर आप इसके बीच में डॉट लगाओगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा भाई, जीरो आएगा कि नहीं, देखो लिखवाया था ना इधर, क्रॉस लगाओगे तो आगे बी कैप आ जाएगा। और यहां हमने क्या फाइंड किया है, आर वेक्टर डॉट ए आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां हमने आर वेक्टर की डैश ए डॉट ए आर वेक्टर की डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां हमारे पास है ये रिजल्ट आया है। अब बताइए टी कैप किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डबल डैश के। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ टी कैप एंड आर वेक्टर डैश आर सेम, सो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर डबल डैश एंड एन कैप आर सेम, सो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर डबल डैश एंड एन कैप आर सेम। कहने का मतलब ये दोनों के इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मैंने यहां बनाया था सर्किल अगर आपके याद हो तो थोड़ी देर पहले, तो इसकी वजह से हमने ये रिजल्ट लिख दिया थर्ड नंबर के ऊपर, ओके। अब देखो एक छोटा सा रिजल्ट और देखो, फिर ये लास्ट रिजल्ट रह जाएगा अपने पास है फोर्थ नंबर के ऊपर। एक बच गया हमारे पास है बाई नॉर्मल, ये क्या बच गया हमारे पास है बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल को हम क्या लिखने वाले हैं भाई, ये देखो आप, तो देखो ये हमारे पास क्या है टी कैप, ये क्या है हमारे पास है एन कैप, और ये जो जेड एक्सिस इधर है ये वास्तव में मेरे पास जेड एक्सिस ऐसे है देखो, क्योंकि जेड डायरेक्शन को आपको पता है 3D के अंदर बना तो सकते नहीं कागज के ऊपर, तो ये थर्ड एक्सिस हमारे पास जेड इतनी है, तो ये व्हाइट बोर्ड के इस साइड में इतना ही, ये व्हाइट बोर्ड के पीछे की ओर है। इसका मतलब ये एंगल बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अगर मैं इसे दूसरे मार्कर से टच करके देखूं, देखो ये हमारे पास क्या है तीसरी जेड एक्सिस है, आपको नीचे दिखाई दे रही है पर कागज में हमें ऐसे बनाना होगा, पर एक्चुअली क्या है ये 3D के अंदर इस शेप में है। अब ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल बताइए देखो यहां से लेके यहां तक का, ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। कहने का मतलब बी कैप है ये मेरे पास क्या होगी बी कैप, तो बी कैप 90 डिग्री है टी कैप के साथ एंड बी कैप 90 डिग्री है एन कैप के साथ। मतलब हम बोल सकते हैं फोर्थ नंबर का रिजल्ट है कि बाई नॉर्मल बी कैप, बाई नॉर्मल बी कैप इज परपेंडिकुलर, बाई नॉर्मल बी कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ एन कैप एंड टी कैप, एन कैप एंड टी कैप। बताओ भाई दोनों के ही हमारे पास है, देखो ये रही बाई नॉर्मल, इस टी कैप के भी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है और एन कैप के भी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं कि बी कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ बाई नॉर्मल एन कैप एंड ए टी कैप। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि बी कैप किसके बराबर आ जाएगा आर वेक्टर, एन कैप कितना एन कैप, पहले तो ऐसे लिख लो कि टी कैप एंड एन कैप होता है, टी कैप एंड एन कैप होता है। बताइए टी कैप अभी अभी आपने क्या निकाला था आर वेक्टर डबल डैश, और डायरेक्शन सेम होने की वजह से आपके पास एन कैप कितना निकल के आया था आर वेक्टर डबल डैश, ये लिख लेना भाई, मैंने लिखा नहीं इधर, देखो यहां लिखा था ना कि सो डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड आर वेक्टर डबल डैश इज सेम, उसके अंदर आगे लिख लेना कि एन कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डबल डैश, ठीक है। तो सो डायरेक्शन ऑफ, तो पहले लाइन लिख लेना कि बाई नॉर्मल बी कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ टी कैप एंड एन कैप, आई ई बी कैप इज अलोंग, बी कैप इज अलोंग आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, ठीक है। सो बी कैप आपके पास कितना बचेगा आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, और कैप का मतलब उसका नीचे क्या आता है, जैसे आप खुद ही बताओ ए कैप का मतलब कितना होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये बी कैप कितना आ जाएगा आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश है, और नीचे इसका कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, नीचे इसका कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे नहीं समझ में आए कि मैंने बी कैप को ऐसे क्यों लिखा, तो फिर से इसी डायग्राम को याद करो कि एन कैप एंड टी कैप के बी क्या है परपेंडिकुलर, तो टी कैप क्रॉस एन कैप कितना आएगा भाई, टी कैप क्रॉस एन कैप कितना आएगा मेरे पास है बी कैप, अगर डॉट लगा देता तो मेरे पास क्या आ जाता है जीरो,
पर यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बी कैप। टी कैप की वैल्यू आपने क्या निकाली थी आर वेक्टर की डैश, क्रॉस एन कैप की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी आर वेक्टर की डबल डैश से, और ये बी कैप कैप है इसकी वजह से इससे नीचे नीचे क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर वेक्टर डैश है क्रॉस है आर वेक्टर डबल डैश। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप बी कैप का, ये हमारे पास क्या होता है बी कैप। कहने का मतलब अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर एंड फंडामेंटल प्लेन, देखो अब इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं यहां से कि अब आपको इसकी ब्रीफिंग बता देते हैं कि एक्चुअली हमारे पास काम में कितने आने वाला है कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हो गए टी कैप एन कैप एंड बी कैप। टी कैप किसके बराबर आ जाएगा आर वेक्टर की डैश के, एन कैप किसके बराबर आ जाएगा आर वेक्टर की डबल डैश के, एंड बी कैप किसके बराबर आ जाएगा इन्हीं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टी कैप एन कैप एंड बी कैप विच इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड ऑसिलेटिंग प्लेन नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन इज ऑलवेज नोन एज ए फंडामेंटल प्लेन। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, हम इस रिजल्ट को अब कहीं भी यूज में ले सकते हैं, इस रिजल्ट को आप रिमेंबर करोगे भाई। ठीक है, इस रिजल्ट को आप रिमेंबर करेंगे, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स की क्या होती हैं वैल्यू एंड फंडामेंटल प्लेन्स हमारे पास क्या होते हैं। जैसे अब मैं बोलूं ऑसिलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन, ए प्लेन लाई बिटवीन टी कैप एंड एन कैप इज नोन एज ऑसिलेटिंग प्लेन, फिर आगे वाला और इसी प्रकार इन तीनों का सिमिलर वाला। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास है कि फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब अभी अभी जो हमने फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स निकाले हैं कौन कौन से निकाले हैं टी कैप एन कैप एंड बी कैप, उनकी हमें क्या निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों ध्यान दो, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कोजय। अब आपने जरूर दिक्कोजय दिक अनुपात का नाम सुना था या ट्वेल्थ क्लास में पक्का सुना था, हो सकता है बीएससी फर्स्ट ईयर में 3D पढ़ते वक्त भी आपने इसको काम में लिया होगा या आपको पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं। तो एक बार डायरेक्शन कोसाइन को फिर से देखो कि एक्चुअली हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होती क्या है, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जब जब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है आप हमेशा 3D बनाओगे। 3D का मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस बनानी है, ये आपके पास जेड एक्सिस बनानी है एंड ये आपके पास वाई एक्सिस बनानी है और ये मेरे पास रह गया ओरिजिन पॉइंट ओ। देखो पहले मैं 2-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लूंगा ताकि आपके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं। अगर आपका पहले से ही डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है तो आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हो कुछ देर के लिए, कि जैसे हमने 3D के अंदर एक पॉइंट ले लिया पी ले लिया एक्स वाई एंड जेड, हमें नहीं पता इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बट इतना पता है एक्स एक्सिस के अंदर एक्स वाई एक्सिस के अंदर वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर जेड। आपको क्या पहले क्या करना है कि इस 3D के अंदर कोई भी पॉइंट है उसको आपको ओरिजिन से मिलाना है, आपको उसके ओरिजिन से मिलाना है और ये आपके पास तुरंत एक लाइन बन जाएगी ओपी, आपके पास तुरंत एक लाइन क्या बन जाएगी ओपी। ठीक है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बोलेंगे भाई ओपी। अब ये जो लाइन ओपी है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी जिसको हम नाम देंगे एल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी जिसके साथ हम ना इसको नाम देंगे हमें बीटा, एंड ये जेड एक्सिस है ये मेरे पास इस प्रकार से इसका भी कोई एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ, इसको हमने नाम दे दिया गामा। अब आपके पास डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी कि इस वाली डायरेक्शन में एंगल बनाऊंगा या मैं इस वाले डायरेक्शन में एंगल बनाऊंगा। तो आपने जरूर ये तो सभी ने सुन रखा है जरूर का क्या मतलब है, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है, साइन होता है। कॉस थीटा हमेशा एक्चुअली क्या होता है, कोसाइन होता है। टेन थीटा हमारे पास एक्चुअली टेंजेंट होता है।
ठीक है, हिंदी में इसको ज्या, कोज्या और स्पर्श्या बोलते थे, अगर आपके ठीक ठीक याद है तो, ये ज्या, कोज्या और स्पर्श्या, फिर इसका साइन यहाँ लिख लेते थे, इसका कोस और इसका टेन इसलिए लिख लेते थे, ठीक है। अब देखो कोसाइन का मतलब हमारे पास क्या पूछा है टॉपिक के अंदर, डायरेक्शन कोसाइन, यानी हम एंगल कौन सा लेके चलेंगे, कोस। कोसाइन का मतलब हम एंगल क्या लेके चलेंगे, कोस। और डायरेक्शन से मतलब आपको यह भी पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी डायरेक्शन का आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोल दिया गया डायरेक्शन कोसाइन। तो जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन यूज में लेंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, कोस थीटा। जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन यूज में लेंगे तो इसको हम क्या लेंगे, कोस थीटा, ठीक है। अब आपके पास अल्फा चाहिए इस डायग्राम में बनाओ, या फिर आप ऐसे बनाओ कि नहीं, ये तो मेरे पास है ओपी है, ये अल्फा है, और वाई एक्सिस का ये मेरे पास बीटा है, और जेड एक्सिस का ये मेरे पास है गामा है, ठीक है। डायरेक्शन से कोई रोल फर्क नहीं पड़ेगा आपके, क्योंकि आपको पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो जब जब आपको डायरेक्शन कोसाइन बनानी है तो आपको क्या करना होगा, 3D के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, उसको ओरिजिन से आप टच करोगे, एक लाइन बनेगी ओपी, तो हम उसको बोलेंगे लाइन ओपी। लाइन ओपी अक्ष एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको हम क्या लिखेंगे, एल्फा। तो ये मेरे पास क्या एंगल बन गया, थीटा की जगह एल्फा। फिर लाइन ओपी मेरे पास वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वो एंगल क्या बन गया, बीटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोस बीटा। और तीसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास हो जाएगा कोस गामा। वो एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस गामा। मतलब एंगल तो हमारे पास कोस थीटा ही रहना था, या कोस माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या आती है, कोस थीटा। बट हमारे पास ये एंगल कौन बन गए, एल्फा बीटा एंड ए गामा। तो ये जो कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं, यही हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, यही हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, जिसको आगे आगे हम शॉर्ट में DCS लिखेंगे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिखूंगा DC, और DC का मतलब आते ही साथ आप क्या समझ जाओगे कि ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ओके। तो अब ये जो कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, हमें बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसलिए कोस एल्फा का सिंबल हमने स्मॉल एल लिया, कोस बीटा का सिंबल हमने स्मॉल एम लिया, एंड कोस गामा का सिंबल आपने स्मॉल एन लिया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एल एम एन क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। बट एल का एक्चुअली मीन्स क्या है, वो कोस एल्फा है, M का एक्चुअली मीन्स क्या है, कोस बीटा है, N का एक्चुअली मीन्स क्या है, कोस गामा है, और एल्फा का एक्चुअली मीन्स है कि एक लाइन ओपी अक्ष के साथ जो एंगल बनाए वो एंगल एल्फा कहलाता है। एंगल बीटा का मतलब है लाइन ओपी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो क्या कहलाती है, कोस एंगल बीटा कहलाती है। इसी प्रकार गामा जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो गामा एंगल कहलाती है। तो अब हम शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलेंगे, एल एम एंड। फिर यहीं से हमारे पास एक और निकल के आएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो वो जब टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, बस एक बार आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन का मीन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एल एम एन। अब मान लो मैं दूसरी एक लाइन और ले ली जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन है, तो ये मेरे पास एल्फा वन एंगल, ये बीटा वन और ये जेड गामा वन, तो मतलब उसको हम L1, M1, N1, L2, M2, N2 ऐसे अलग अलग नेम से डिफाइन करेंगे, ओके। तो बताओ एक बार समझ में आया क्या कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली LMN, और LMN कुछ भी नहीं है, सिंबल है कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा के। कोस क्यों लिया, क्योंकि ये नाम पहले से ही डिवाइड थे, साइन में डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, टेन में डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, कोस साइन के अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इसलिए इसको डायरेक्शन कोसाइन नाम दे दिया गया, ओके। अब आओ अपने मूल टॉपिक के ऊपर, ये हमारे पास टॉपिक नहीं था भाई, इसको हमने केवल इतना समझाया है कि डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास ही क्या होती है, ये 12th क्लास का प्लेन वाले सिलेंडर के अंदर, ये आपने समतल पढ़ा होगा, गोला एवं समतल उस वाले चैप्टर के अंदर था, ठीक है। अब देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है किसकी, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, टी कैप एन कैप एंड ए बी कैप। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट
टेंजेंट वेक्टर टी कैप इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप इज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल बी कैप इज। मतलब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं, टी कैप एन कैप एंड बी कैप। ठीक है, एक तो हमें टी कैप की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, एक हमें एन कैप का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एंड एक हमें बी कैप का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब आप बताइए कि टी कैप की डायरेक्शन कोसाइन हमने एक बार मान लिया कि एल वन एम वन एन वन है, भाई मानना तो क्या चाहिए था हमें एल एम एंड एन, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तो हमारे पास क्या होती है एल एम एन, पर इस यूनिट वाले टेंजेंट के लिए हमने मान लिया कि एल वन एम वन एन वन, इस प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप के लिए मान लिया कि एल टू एम टू एन टू, एंड इस बाइनॉर्मल के लिए हमने मान लिया एल थ्री एम थ्री एन थ्री, एल थ्री एम थ्री एन थ्री। इसका मतलब टी कैप के इक्वल क्या हो जाएगा भाई, एल वन इंटू आई कैप, एम वन इंटू जे कैप और एन वन इंटू के कैप, इसको हम इक्वेशन वन बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, एन कैप का मतलब एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप, इसको इक्वेशन थ्री मानेंगे। एंड ये बाई नॉर्मल है आई ई बी कैप, हमारे पास कितना होगा एल थ्री आई कैप प्लस एम थ्री जे कैप प्लस एन थ्री के कैप, ये हमारे पास इक्वेशन थ्री आ गई। अब हमारा टारगेट क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 की वैल्यू निकालेंगे, और वही टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ गए भाई, इस डायरेक्शन कोसाइन की वजह से हमें ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 एटसेट्रा मानने पड़े। अब देखो हमारे पास ये भी पता है कि ये जो टी कैप है इसकी वैल्यू क्या होती है, याद करो अभी ये भी निकाली थी आर वेक्टर डेस, ये तो यूनिट लेक्चर वन से भी यही चल रही है। एन कैप को हमने क्या बोला था अभी अभी, आर वेक्टर डबल डेस एंड बाई नॉर्मल बी कैप आर वेक्टर की डेस क्रॉस आर वेक्टर की डबल डेस है, और इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर डेस क्रॉस आर वेक्टर की डबल डेस। बट बात ये कि हमारे पास ये डेस किसके लिए आता है, पैरामीटर एस के लिए, आर्क लेंथ एस के लिए, डॉट कब आएगा पैरामीटर टी के लिए, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस आएंगी, और ये मतलब फोर टाइप से होते थे इसी प्रकार। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, देखो ये टॉपिक चलेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर, ये काफी लंबा चलने वाला है, लंबा तो नहीं, इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर लेके चलेंगे। हमारे पास कंडीशन फर्स्ट क्या आ गई, व्हेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ एस, आर्क लेंथ एस। अगर नहीं समझ में आ रहा कि आर्क लेंथ एस पैरामीटर क्यों होता है तो आपको लेक्चर वन टू थ्री एटसेट्रा देखने पड़ेंगे। फिर ऑसिलेटिंग प्लेन के लिए आए थे हमारे पास ये इक्वेशन, तो आपको सिक्स सेवन भी मतलब पीछे के लगभग हर लेक्चर देखने के बाद ही आप ये आगे समझ पाओगे। तो हमारे पास आ गया सबसे पहले व्हेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ एस, तो सबसे पहले आप निकालो टी कैप को, सबसे पहले हम निकालें नंबर वन यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब हमें तीनों निकालने हैं टी कैप एन कैप एंड बी कैप, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, बताओ यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर की डेस, यूनिट कितना होता है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर, टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर की डेस। अब आप क्या बोलोगे कि चूंकि आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्यों होता है भाई, याद करो वही 3D, अगर कोई पॉइंट मेरे पास एक्स वाई जेड है तो अक्ष अक्ष की वजह से आई कैप लग जाएगा, वाई की वजह से जे कैप लग जाएगा एंड जेड की वजह से के कैप लगेगा। तो आर वेक्टर हमारे पास यह नॉर्मली क्या होता है, अक्ष अक्ष के अंदर अक्ष, वाई एक्सिस के अंदर वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर जेड।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर। अब बताइए इसकी आर वेक्टर डैश कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डैश यानी एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डीएक्स बटा डीएस, या एक्स डैश लिखो, एक्स डैश आई कैप, ये हो जाएगी वाई डैश जे कैप, और ये हो जाएगी जेड डैश के कैप। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फोर। कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन वन एंड फोर, कंपेयर इक्वेशन, देखो L1 I कैप, M1 J कैप, N1 K कैप, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, सर देखो I कैप, J कैप, K कैप तो इसमें भी हैं, हम यहाँ क्यों कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास क्या चल रहा है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी T कैप। T कैप कौन से के अंदर है, ये रहा देखो, T कैप इज इक्वल टू, या फिर ऐसे देखो एक बार कि पहले कंपेयर छोड़ो, ये इक्वेशन फोर, वरना अब एक्चुअली उलझ जाओगे इसके अंदर। चूंकि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, चूंकि आर वेक्टर की डैश किसके इक्वल है, टी कैप के, सो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, आर इस आर वेक्टर डैश की जगह आप क्या रखोगे, टी कैप। टी कैप कितना आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, एंड जेड डैश के कैप। इसको हम क्या माने, इक्वेशन फोर। अब कंपेयर करो वन एंड फोर, अब तो देखो वन के साथ ही होगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर वन एंड फोर, कंपेयर इक्वेशन वन एंड फोर, क्योंकि वन के अंदर लेफ्ट साइड में टी कैप है, इसके अंदर टी कैप है, इसके राइट में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट है। तो कहने का मतलब एल वन कितना आ जाएगा मेरे पास, जो डायरेक्शन कोसाइन है, एल वन कितना आ जाएगा, एक्स डैश, एम वन कितना आ जाएगा, वाई डैश, एन वन कितना आ जाएगा, जेड डैश, और यही हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कोसाइन्स। तो हम बोल सकते हैं कि सो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, बोल सकते हैं ना। तो लास्ट में लिखने पड़ेंगे, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज, यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। L1, M1, M1 हमने माना था, अब हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, X डैश Y डैश एंड Z। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ये तो हमने निकाल लिया एक नंबर के ऊपर कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। अब सेकंड क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल नॉर्मल N कैप निकालें, और एक बाई नॉर्मल B कैप है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक तो आप लिख लेना। अब हम लिखेंगे सेकेंड नंबर पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल ले लो, बाई नॉर्मल बी कैप, बाई नॉर्मल बी कैप, ठीक है। निकालना तो हमें सेकेंड नंबर पे प्रिंसिपल नॉर्मल चाहिए था, बट एक बार आप बाई नॉर्मल निकालो, क्यों, क्योंकि आप लिखोगे कि चूंकि आप जानते हैं कि बी कैप कितना होता है आपके पास है, आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप बताइए, ये मेरे पास देखो आर वेक्टर की डैश है और ये आर वेक्टर की डबल डैश, हाँ लगा दिया ना ऊपर, ये रहा डैश एंड आर वेक्टर की डबल डैश। यहाँ से देखिए आपके पास, चूंकि आर वेक्टर डैश कितना है, चूंकि आर वेक्टर डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, एक ही बात है ना भाई, आर हमारे पास ये रहने वाला है, आर वेक्टर की डैश हमारे पास ये रहने वाला है, आर वेक्टर की डबल डैश बताओ, आर वेक्टर की डबल डैश करेंगे तो इसका एक बार और डैश लग जाएगा, एक्स डबल डैश आई कैप, वाई डबल डैश जे कैप, और जेड डबल डैश के कैप। अगर मैं इसको इक्वेशन वन टू थ्री फोर और फाइव मानूं, तो बताओ इक्वेशन फाइव का अगर हमें वैल्यू निकालना है, इक्वेशन फाइव का हमें वैल्यू निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना होगा, आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश। तो इन दोनों से आपको क्या निकालना होगा, आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश। और ये तरीका मैंने आपको बता रखा है कि पहले i के कोफिशेंट, फिर j के कोफिशेंट, और फिर k के कोफिशेंट। नीचे पहले कौन लिखा है, r वेक्टर यानी x डैश y डैश z डैश, हम काफ़ी सारे लेक्चर में ऐसा निकाल चुके हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बताओ आपके पास
आर वेक्टर की डैश करो से आर वेक्टर की डबल डैश कितनी आ जाएगी, वाई डैश जेड डबल डैश, वाई डैश जेड डबल डैश माइनस वाई डबल डैश जेड डैश इंटू में आई कैप, इंटू में आई कैप जे कैप में उल्टा हो जाएगा, प्लस जेड डैश एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश जेड डबल डैश इंटू जे कैप, प्लस के कैप निकालेंगे तो एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश इंटू के कैप, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश इंटू के कैप, ठीक है दिखाई दे रहा है इधर तक है। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश। तो देखो एक तो ये हमने ये निकाल लिया इक्वेशन 6 से कि आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के डबल डैश क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलोगे एंड इसका मैग्नीट्यूड बताओ आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, और मैग्नीट्यूड का मतलब कितना होता है रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड डैश एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश जेड डबल डैश यानी जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो ये, बट देखो आपने देखा पहले वाई जेड जेड वाई, फिर वाई के बाद क्या आता है जेड एक्स एक्स जेड, फिर एक्स के बाद एक्स वाई वाई एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा नहीं लिख के देखो, वास्तव में लिखना तो मेरे को यही चाहिए बट आपको पता है कि बार बार ये स्टेप बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको यहाँ पहले वाली स्टेप के समेशन लगाओ, क्योंकि ऐड हो रही है ना, पहले वाली स्टेप के समेशन लगाओ और आगे से इसको हटा दो, ठीक है। लिखना तो ऐसे चाहिए था जैसे मैंने पहले कंप्लीटली का होल स्क्वायर लिखा था, बट प्लस हो रही है इसलिए आप इसको ऐड कर दो और इसके पहले क्या लगाओ समेशन लगा दो। अब हम समझ जाएंगे कि पहले वाई जेड जेड वाई है, फिर जेड एक्स एक्स वाई है, फिर एक्स वाई वाई एक्स है, तीनों कंटिन्यूसली सॉरी सिमिलरली चलने वाली। तो ये हमने इक्वेशन 6 के लिए 5 के अंदर आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश इक्वेशन 6 में निकाला एंड आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश हमने इक्वेशन 7 में निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ ये वैल्यू शिफ्ट कर देता हूँ 6 एंड 7 से वैल्यू 5 के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, तो मैं ये यहीं पर लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7। यहीं पर हम क्या लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन से 5 6 एंड 7 क्या है भाई 5 के अंदर बी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है वाई डैश जेड डबल डैश, वाई डैश जेड डबल डैश माइनस वाई डबल डैश जेड डैश इंटू आई कैप प्लस जेड डैश एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश जेड डबल डैश इंटू जे कैप प्लस एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश इंटू के कैप, और नीचे इसके क्या जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश एंड इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है रूट के अंदर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास है? रूट के अंदर समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। कोई भी स्टूडेंट ये मत सोच लेना भाई कि ये होल स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो ये पूरे का होल स्क्वायर है, आगे तक समेशन लगा हुआ ना, इसलिए आप रूट से बाहर इसे मत निकाल लेना। ओके अब देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो कितना आएगा वाई डैश जेड डबल डैश माइनस वाई वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश, ऐसे लिख लो इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट के अंदर समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, और इंटू में इसके क्या गया आई कैप, इंटू में इसके क्या गया आई कैप प्लस जेड डैश एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश जेड डबल डैश, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इंटू में जे कैप प्लस एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, और अपॉन में रूट के अंदर समेशन
वाई डैस जेड डबल डैस माइनस जेड डैस वाई डबल डैस का होल स्क्वायर इंटू के कर, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 9, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 9, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 9 करना क्या है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। बी कैप इज इक्वल टू क्या है, एल थ्री आई कैप एम थ्री जे कैप एन थ्री के कैप। यहां हमने क्या निकाला, एल थ्री आई कैप एम थ्री जे कैप एम थ्री के कैप, यानी कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 9, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 9। 3 में बी कैप लेफ्ट में, तो 9 में भी बी कैप लेफ्ट में, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के, यानी एल थ्री के इक्वल में ये आ जाएगा, ये एम थ्री हो जाएगा, ये एम थ्री। तो मेरे पास एल थ्री कितना आ गया, वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश अपॉन रूट के अंदर समेसन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। एम थ्री कितना आ गया मेरे पास, जेड डैश एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश जेड डबल डैश रूट के अंदर समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। एंड एन थ्री कितना आ गया, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन रूट के अंदर समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, विच इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्रिंसिपल सॉरी बाई नॉर्मल, विच इज कॉल्ड एल थ्री एम थ्री एम थ्री। तो हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन से ऑफ ए बाई नॉर्मल एन कैप, बाई नॉर्मल एन कैप, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली एल थ्री एम थ्री एंड एन थ्री की। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार हमें निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर की फाइंड आउट कर ली, एंड हमने L3, M3, N3 यानी हमने किसकी फाइंड आउट कर ली, बाई नॉर्मल की। अब किसकी शेष और रह गई, प्रिंसिपल नॉर्मल की। तो अब हम यहां निकालेंगे प्रिंसिपल नॉर्मल, और बताओ प्रिंसिपल नॉर्मल का सिंबल क्या होता है, एन कैप। देखो अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल नॉर्मल की। थर्ड नंबर पे हमने किसको निकालना है, प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप की हमें डायरेक्शन क्वेश्चन, यानी कुल मिला के हमें L2, M2 एंड N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमने T कैप की और N कैप की, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर T कैप एंड बाई नॉर्मल B कैप की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो आपको याद आएगा नहीं, ऐसे देखो सर्किल बना लेना, एक्स डायरेक्शन में कौन होता था टी कैप, वाई डायरेक्शन में कौन होता था हमारे पास एन कैप, एंड जेड डायरेक्शन में हमारे पास कौन होता था, बोलो भाई, बी कैप, ठीक है। कहने का मतलब एन क्रॉस बी टी के बराबर, बी क्रॉस टी किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर, यानी B क्रॉस T किसके बराबर आ जाएगा, B कैप क्रॉस T कैप, B कैप क्रॉस T कैप किसके बराबर आ जाएगा, N कैप के। अब याद करो, क्योंकि B कैप आपके पास कितना होता है, R वेक्टर की डैश क्रॉस R वेक्टर की डबल डैश अपॉन इसका मैग्नीट्यूड R वेक्टर डैश R वेक्टर डबल डैश, एंड T कैप कितना होता है भाई, यूनिट टेंजेंट वेक्टर R वेक्टर की डैश। रखते हैं इधर, तो मेरे पास कितना बचेगा, एन कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश, और ये इसका मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर डैश से आर वेक्टर की डबल डैश, क्रॉस प्रोडक्ट होगा टी कैप से यानी आर वेक्टर की डैश के साथ। या फिर आप इसको माइनस, देखो इसको मैं फर्स्ट पोजिशन पे लिखता हूं, इसको आगे ले जाता हूं, और क्रॉस के अंदर अगर हम पोजिशन चेंज करेंगे तो पीछे किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन। तो मैं एन कैप इज इक्वल टू लिख लेंगे माइनस का वन अपॉन ये मैग्नीट्यूड, तो इधर आ जाएगा आर वेक्टर और आर वेक्टर डबल डैश, और ये हमारे पास कितना बचेगा, आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डैश क्रॉस आर वेक्टर डबल डैश, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, उल्टा साइन बदल दिया, इसको हमने पहले नंबर पर लिखा, इसको दूसरे नंबर पर, और बाहर किसका लगा दिया, माइनस साइन, और नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी एक वैल्यू है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट होगी, उसको हमने बाहर आउट निकाल लिया। अब याद करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, अगर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये कितना होता है, ए का सी के साथ इंटू बी माइनस ए का बी के साथ इंटू सी,
यानी पहले का तीसरे के साथ इनटू दूसरा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको तो हम रहने देंगे ऐसा कैसा कि आर वेक्टर डैश से क्रॉस ए आर वेक्टर डबल डैश, ठीक है। और भाई कोष्टक मतलब ब्रैकेट्स मत लगा देना भाई, ये मैग्नीट्यूड का क्या है, साइन है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है। और आर वेक्टर डैश इसका मतलब पहले का तीसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ इनटू दूसरा, यानी आर वेक्टर की डैश माइनस पहले का दूसरे के साथ आर वेक्टर की डैश से आर वेक्टर की डैश इनटू तीसरा, यानी आर वेक्टर की डबल डैश, ठीक है। अभी अभी याद करो आप कि ये जो मैग्नीट्यूड था आर वेक्टर की डैश क्रॉस आर वेक्टर की डबल डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, समेशन के अंदर, और कौन सी इक्वेशन के अंदर लिखा था हमने, सेवन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। याद रखो कौन सी इक्वेशन के अंदर लिखा था हमने इसको, इक्वेशन सेवन के अंदर। तो एक बार हम इसको यहां से लेंगे, इक्वेशन सेवन के अंदर, अब हम क्या बोलेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेवन, यूजिंग इक्वेशन सेवन, इक्वेशन सेवन, और सेवन जहां तक अब ठीक ठीक देख लेना, सेवन ही थी शायद ये, कि रूट के अंदर समेशन वाई डैश एंड जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हमारे पास कितना आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इनटू में। अब देखो आर वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर डबल डैश, आर वेक्टर की डैश डॉट आर वेक्टर की डबल डैश, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो इंटू आर वेक्टर की डैश माइनस, ये मेरे पास हो जाएगा वन इंटू, ये मेरे पास हो जाएगा वन इंटू आर वेक्टर की डबल डैश। ऐसा क्यों, तो देखो एक तो ये क्या है मेरे पास है, इस साइड में तो क्या था आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर की डबल डैश, इसको देखो पहले तो आर वेक्टर की डैश किसके बराबर थी भाई मेरे पास है, टी कैप के, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के। और याद करो आर वेक्टर की डबल डैश किसके बराबर होती थी, एन कैप के, लिखा हुआ है थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये आर वेक्टर के लिखा था ना कि सिंस टी कैप एंड आर वेक्टर डैश सेम डायरेक्शन, सो एन कैप एंड आर वेक्टर डबल डैश आर विल बी सेम डायरेक्शन। और आपको पता है अगर डॉट दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसकी वजह से इसको तो हमने यहां तो क्या लिख दिया, जीरो। तो ये तो क्या बन गया, जीरो। और ये क्या है आर वेक्टर डैश, देखो आप दो बार डैश मत लगा देना, ये ऐसे है आर वेक्टर की डॉट है आर वेक्टर, इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में, तो ए कैप डॉट ए कैप वन आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वजह से, तो इसको हमने क्या लिख लिया, वन। अब देखो ये माइनस साइन, ये तो जीरो हो ही गया, माइनस साइन अंदर करेंगे तो एन कैप हमारे पास कितना आ गया, आर वेक्टर की डबल डैश अपॉन समेशन, और देखो ये रूट के अंदर था भाई, शायद आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने रूट क्यों नहीं लगाया, तो ये रूट के अंदर क्या था, समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए आर वेक्टर डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, आर वेक्टर डबल डैश का मतलब कितना हो जाएगा, अक्स डबल डैश आई कैप y डबल डैश j कैप z डबल डैश k कैप, और नीचे कौन आ जाएगा, समेशन y डैश j डबल डैश माइनस z डैश y डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब अलग अलग करो तो हमारे पास n कैप कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x डबल डैश अपॉन रूट के अंदर समेशन y डैश z डबल डैश माइनस z डैश y डबल डैश का होल स्क्वायर इंटू आई कैप, प्लस इसको अलग अलग करेंगे तो y डैश अपॉन रूट समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस जेड डबल डैश, और यह आ जाएगा समेशन वाई डैश जेड डबल डैश माइनस जेड डैश वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इंटू के कैप, और इसे इक्वेशन मानेंगे हम शायद 9 तक मान चुके हैं 10, और अगर आपने 10 लिख लिया तो इसको 9 तक ही माना हुआ, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 10। अब बताइए ये किसके इक्वल में है, एन कैप एल टू आई कैप एम टू जे कैप एन टू के कैप, इक्वेशन 2। तो क्या बोलेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 10, तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 10।
कंपेयर करेंगे तो एन कैप के बराबर तो एन कैप एल टू आई कैप, तो ये किसकी वैल्यू बचेगी, एल टू की, कितनी आ जाएगी एक्स डबल डैश अपॉन, एल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स डबल डैश अपॉन, नीचे सेम है, एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई डबल डैश अपॉन, तो ये कितनी आ जाएगी वाई डबल डैश अपॉन, एंड एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है जेड डबल डैश, एन टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जेड डबल डैश, विच इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, ठीक है यहाँ प्रिंसिपल नाम और ऐड करना, विच इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, तो ये हमने निकाल दिए टॉपिक के अंदर की डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। और ध्यान दो अब इसकी हेडिंग डालो आप इधर कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर से व्हेन पैरामीटर इज एस, व्हेन पैरामीटर इज ए आर्क लेंथ एस, व्हेन पैरामीटर इज ए आर्क लेंथ एस, तो ये हमने किसके लिए निकाले हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर से टी कैप एन कैप एंड बी कैप के, जब हमारे पास से आर्क लेंथ कितनी है एस। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर 12th में आएंगे उसके अंदर फिर हमारे पास यही टॉपिक होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, पैरामीटर बदल जाएंगे व्हेन पैरामीटर इज ए टी सेकंड, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सेम कहानी रहेगी, यहाँ तक टॉपिक भी रहेगा पैरामीटर बदल जाएंगे और इसके रिजल्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है इसके रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। तो मिलते हैं आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर 12th में, तब तक आप इसको निकालते रहिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए।